हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 2, सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। तो स्टूडेंट, इस लेसन में आज हम देखेंगे कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से अलग होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज इस लेसन में। तो देखिए, कैन यू टेल में आपको दिया है, यू विल ईजिली रिकोगनाइज द एनिमल्स इन द पिक्चर, टेल देयर नेम्स एंड ऑल्सो देयर स्पेशल फीचर्स। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए है, तो कौन से एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है स्ट्रैग, देन स्नेक जिसको कोबरा कहा जाता है, एलिफेंट, पैरट एंड मैना। तो इस तरह की कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कैसे हमने इनको रिकॉग्नाइज किया, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये एलिफेंट है या फिर ये स्ट्रैग है, तो कुछ हमें फिजिकल फीचर्स जो होते हैं इनमें दिखते हैं। जैसे कि अगर एलिफेंट की हम बात करेंगे तो एलिफेंट को कैसे पहचानेंगे हम, उसका कलर हमें दिख रहा है यहाँ पे, देन उसकी ट्रंक हमें दिख रही है, एलिफेंट के बड़े कान होते हैं, तो ये सारे फिजिकल फीचर्स जो होते हैं उनके कारण हम उन्हें ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, कैन यू टेल में अगेन आपको दिया है, नेमस एनिमल्स दैट फ्लाई इन द स्काई, एनिमल्स दैट लिव इन अ वाटर। तो एनिमल्स हर जगह पे होते हैं, जैसे कि स्काई में फ्लाई करते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। एनिमल्स दैट आर ब्लैक, एनिमल्स दैट हैव मेनी कलर्स। तो एनिमल्स के, सारे एनिमल्स के कलर एक ही होता है क्या, सिर्फ ब्लैक ही कलर होता है क्या, नहीं। तो कई सारे कलर्स में हमें एनिमल्स दिखते हैं, वेरी लार्ज एनिमल्स, वेरी टाइनी एनिमल्स। तो लार्ज भी दिखते हैं, काफ़ी बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, एंड वेरी टाइनी एनिमल्स भी होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हो, कितने छोटे होते हैं, टाइनी मीन्स क्या, छोटा या फिर स्मॉल, तो ऐसे स्मॉल एनिमल्स भी होते हैं। वेयर विल यू फाइंड अस, तो हम एनिमल्स को कहाँ पर देख पाते हैं, एन ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई, तो हमें ईगल कहाँ पर दिखेगा, स्काई में फ्लाई करते हुए दिखेगा, एंड अ काउ वॉक ऑन द ग्राउंड, काऊ जो है हमें ज़मीन के ऊपर दिखेगी, एंड फिश स्विम इन अ वाटर। तो इन सारे चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि एनिमल्स मीन्स बर्ड्स एंड एनिमल्स ये कहाँ पे दिखते हैं हमें, वो हवा में भी फ्लाई कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर रहने वाले एनिमल्स अलग होते हैं, एंड पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, वी आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि एनिमल्स के हमें डिफरेंट कलर्स भी दिखते हैं, कैसे, द ईगरेट इज़ वाइट, ईगरेट मीन्स क्या, जो बगुला होता है इस तरीके का, उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। द क्रो इज़ ब्लैक, जो क्रो होता है, कौवा होता है, कौन से कलर का होता है, ब्लैक। द बफेलो टू इज़ ब्लैक, बफेलो जो होती है उसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। बट द पीकॉक हैज़ मैनी डिफरेंट कलर्स, लेकिन अगर हम पीकॉक को देखेंगे तो उनके पंख जो अगर आप देखोगे तो कई सारे कलर्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। तो एनिमल्स जो होते हैं कई सारे डिफरेंट कलर्स में हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, वी मे बी बिग, वी मे बी स्मॉल, तो एनिमल्स छोटे भी हो सकते हैं या फिर बड़े भी होते हैं, जैसे कि द हॉर्स एंड द बुलक आर लार्ज इन साइज, जैसे कि हॉर्स होते हैं या फिर बुलक जो होते हैं, उनकी साइज़ कैसी होती है, लार्ज मीन्स बिग साइज में होते हैं, बड़े साइज में होते हैं। द गोट एंड द डॉग आर द मीडियम साइज, अगर आपने गोट देखी होगी और डॉग देखे होंगे तो ये हॉर्स से थोड़ा सा छोटे होते हैं, मीन्स मीडियम साइज में होते हैं, एंड अगर माउस एंड स्क्विरल अगर हम देखेंगे तो काफ़ी छोटे से होते हैं, डॉग एंड गोट से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड द अर्थ वर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर स्टिल, उनसे छोटे फिर अर्थ वर्म एंड हमें कॉकरोच दिखेंगे, एंड नेट्स एंड एंट्स आर वेरी टाइनी इंडीड, तो एंट्स जो छोटी छोटी चींटियाँ होती है तो उनसे भी काफ़ी छोटी होती है, टाइनी होती है। तो इस तरीके से कई सारे एनिमल्स हमें दिखते हैं कि उनकी साइज़ बड़ी भी होती है, मीडियम होती है, छोटी होती है, और इतनी छोटे से होती थी कुछ हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू टेल में विच एनिमल्स रन वेरी फास्ट, कौन से एनिमल ऐसे होते हैं कि जो फास्ट भाग सकते हैं, जैसे कि अगर हम हॉर्स कहेंगे तो हॉर्स जो होता है काफ़ी फास्ट दौड़ सकता है, उसके बाद चीता होता है, टाइगर होता है, ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो फास्ट रन करते हैं। विच एनिमल्स मूव वेरी स्लोली, तो स्लोली चलने वाले एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे कि टॉर्टोइस अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो टॉर्टोइस काफ़ी धीरे धीरे चलता है, या फिर एंट, जो छोटा सा एनिमल हो कितना तेज़ी से भाग सकता है, काफ़ी स्लोली स्लोली चलता है, तो ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ फास्ट भी भाग सकते हैं एंड कुछ जो है स्लोली सिर्फ चल सकते हैं। वी मूव इन अ डिफरेंट वेज, अ स्क्विरल इज़ ए स्मॉल एनिमल, इट इज़ निम्बल, इट क्लाइम्स अप अ ट्री क्विकली एंड स्विफ्टली, रन्स अलॉन्ग इट्स ब्रांच। तो स्क्विरल आपने देखी होगी कैसे होते हैं, स्क्विरल स्मॉल होती है, एकदम छोटी से ऐसे होती है जो पेड़ों के ऊपर हमें हमेशा दिखाई देती है। इट इज़ निम्बल मीन्स काफ़ी क्विक होती है, काफ़ी तेज़ी से भाग सकती है ब्रांचेस के ऊपर यहाँ से वहाँ, वो क्लाइम करती है ट्रीज के ऊपर, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर। द एलिफेंट्स बॉडी इज़ बल्की,
लेकिन अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे स्क्विरल का और दूसरा एग्जांपल लेते हैं एलिफेंट का, तो आपको समझ में आएगा कि स्क्विरल जो होती है काफ़ी छोटी सी होती है, काफ़ी क्विक होती है, इजीली क्या कर सकती है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर वो क्या करती है यहाँ पे जंप कर सकती है। लेकिन अगर एलिफेंट का हम एग्जाम्पल लेंगे तो एलिफेंट काफ़ी लार्ज होता है साइज में, उसकी बॉडी जो है बल्की होती है, मीन्स लार्ज होती है एंड हेवी होती है, इट्स लेग्स आर हेवी, उनके जो लेग्स होते हैं वो भी काफ़ी हेवी होते हैं। द एलिफेंट कैन नॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड, तो एलिफेंट चल तो सकते हैं लेकिन जोर से भाग सकते हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे स्क्विरल दी है वो काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी क्विकली वो भाग सकती है, तो वैसे एलिफेंट भाग सकता है क्या, नहीं। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस होते हैं मूवमेंट्स में, चलने में भागने में, ये हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है द डियर हैज़ थीन लेग्स, इट रन्स वेरी फास्ट, तो डियर जो होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं काफ़ी थीन होते हैं, जैसे कि हमने देखा एलिफेंट के कैसे होते हैं, फैट होते हैं, हेवी होते हैं, तो इसके कारण जो है वो भाग नहीं पाते हैं ज़्यादा, लेकिन डियर के जो लेग्स होते हैं काफ़ी थीन होते हैं जिसके कारण वो काफ़ी फास्ट भाग सकता है। अ फ्रॉग्स थीन लेग्स आर लॉन्ग, तो यहाँ पे अगर फ्रॉग के पीछे वाले लेग्स अगर हम देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, सो इट कैन ईजिली हॉप जम्प एंड लिप, तो इसके कारण ही ये पीछे वाले जो लेग्स है इनके कारण ही फ्रॉग ईजिली जम्प कर सकते हैं, हॉपिंग कर सकते हैं, जो लेग्स उन्हें यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो हर एक एनिमल्स का जो फिजिकल फीचर है, उनके लेग्स हो, उनकी स्किन है, तो उनके सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अलग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कैन यू टेल मी Why do we keep cows? हम लोग cows को पालते हैं तो क्यों पालते हैं? Name some other animals that are useful to us. तो cows हमारे लिए helpful होती है, उसी तरीके से और कौन से animals है जो हमारे लिए useful होते हैं, जैसे कि buffalo है, goat है, hen है, then ox है। Why do we not like it if there are mice or bedbugs in our house? अगर हमारे घर में mice and bedbugs आ जाते हैं तो क्या हम उन्हें like करेंगे क्या? नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनसे हमारा नुकसान होता है इसके कारण। आगे लेसन में हम उसके बारे में देखने वाले हैं। You find us useful, कि animals जो होते हैं हमारे लिए काफ़ी useful होते हैं। People love to keep animals. The dog guards our house. People like to keep cats too. तो हम लोग क्या करते हैं, जो डॉग होते हैं उनको पालते हैं, कैट्स को पालते हैं। तो डॉग क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं उनके घर में अगर डॉग होते हैं तो वो क्या करेंगे, घर की रक्षा करते हैं, गार्डिंग करते हैं, मीन्स गार्ड करना मीन्स क्या, यहाँ पे रक्षा करना। अगर कोई यहाँ पे जिन लोगों को पहचानते नहीं ऐसे लोग अगर वहाँ पे आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर भोंकते हैं। काउस बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क, तो ये जो एनिमल्स है काउस बफेलोज गोट्स, इनसे हमें मिल्क मिलता है। सम पीपल कीप हेंस, तो कुछ लोग मुर्गियों को भी पालते हैं। वी गेट मीट मिल्क एंड eggs फ्रॉम एनिमल्स, तो hens जो होती हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, eggs मिलते हैं, मीट मिलता है, और जो बाकी एनिमल्स है cows, buffaloes, इनसे हमें मिल्क मिलता है। इसके कारण जो है लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं। Bullocks help with farm work, hitch to a cart, they can draw heavy burdens too. तो bullocks जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो farmers से उनके काम आते हैं, जो फील्ड में जो काम होते हैं उनके लिए हेल्प हो जाती है। अगर कार्ट को खींचना होता है, हेवी बर्डन है, तो उन्हें उठाने के लिए भी काम आ जाते हैं। हॉर्सेज एंड डोंकीज टू आर यूज टू कैरी बर्डन्स, तो डोंकीज एंड हॉर्सेज को भी यूज़ किया जाता है बर्डन कैरी करने के लिए, या फिर एक जगह से अगर दूसरी जगह पे जाना है तो उनके ऊपर बर्डन जो लोड होता है, जो भी उनका सामान होता है उसे रख सकते हैं। We look after the animals we keep, we feed them, we take care of them when they are ill. The animals we keep become very dear to us. तो जिन animals को हम पालते हैं तो उनकी responsibility भी होती है हमारे ऊपर कि हम उनकी क्या करें, केयर करें, उन्हें समय पे खाना दें, पानी दें, उनकी देखभाल करें। अगर वो बीमार होते हैं तो उनकी केयर भी करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो होते हैं pet animals को भी हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से उनकी देखभाल करते आना चाहिए। We the gate crashers, some animals enter our houses even though we don't want them. तो कुछ ऐसे भी animals होते हैं जिनको हम पालना नहीं चाहते या फिर हमारे घर में वो नहीं चाहिए फिर भी आ जाते हैं, जैसे कि चूहे होते हैं, spider है, cockroaches होते हैं। माइस एंड रैट डिस्ट्रॉय स्टोर ग्रेन बिसाइड्स नोइंग अदर थिंग्स इन द हाउस, तो माइस एंड रैट्स क्या करते हैं, जो ग्रेन हम लोग स्टोर करके रखते हैं जैसे कि गेहूँ है, चावल है, तो उनको खाते हैं और उन्हें ख़राब भी करते हैं। समटाइम्स वी फाइंड बेड बग इन अवर हाउस, दे सक अवर ब्लड, तो जो बेड बग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा खून चूसते हैं, इसके लिए कोई भी उन्हें पसंद नहीं करेगा। स्पाइडर मेक कॉब वेब्स इन द
हाउस। तो जो स्पाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जाले बनाते हैं घर में, जो कि बिल्कुल भी गंदा दिखता है, घर खराब दिखता है। मॉस्किटोज फ्लाइज नैट्स एंड कॉकरोचेस आर नॉइजेंस टू। तो मॉस्किटोज एंड फ्लाइज जो होते हैं उनके कारण भी जो है कॉकरोचेस हमारे, अगर फूड हमने रखा है किचन में तो उनको भी खराब कर सकते हैं। इवन सो दिस ट्रबलसम एनिमल्स टू हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन नेचर। अगर ये हमारे लिए ट्रबल क्रिएट भी करते हैं लेकिन फिर भी इनके एक इम्पोर्टेंट प्लेस होती है हमारे नेचर में। नेक्स्ट देखेंगे, वी हैव सीन दैट एनिमल्स अराउंड अस कैन बी ग्रुप इन डिफरेंट वेज, वी फॉर्म दिस ग्रुप्स यूजिंग अवर एवरीडे ऑब्जर्वेशन। तो हमें एनिमल जो है अलग अलग तरीके के दिखते हैं, जिनके ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये चीज़ें सारी समझ में आती है। हाउएवर व्हेन साइंटिस्ट क्लासीफाई एनिमल्स दे लुक एट मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, लेट अस सी हाउ दे डू इट। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो कुछ चीज़ें वो ध्यान में रखते हैं। तो कौन से चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन आपको दिया है, वी सकल अवर यंग। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कैसे, द यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक द काऊ डॉग गोट एंड रैट ग्रो अप ऑन देयर मदर्स मिल्क। तो ये जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दिस एनिमल्स हैव फोर लेग्स, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे दिए हैं कि जो एनिमल्स है अपने यंग वन को दूध पिलाते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनके फोर लेग्स होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर हमें हेयर दिखाई देते हैं एंड उनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं, जैसे कि काऊ बफेलो एंड गोट्स या फिर जो डॉग होते हैं उनके। नेक्स्ट दिया है, वी फ्लाई, जो कि बर्ड्स कैटेगरी में आते हैं। बर्ड्स हैव ओनली टू लेग्स, दे हैव टू विंग्स टू फ्लाई विथ, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। तो बर्ड कैसे होते हैं, उनके दो ही लेग्स होते हैं एंड जो दो हमें पंख दिखाई देते हैं और उसके बाद जो है उनके पूरी बॉडी जो है फेदर से दिखती है, हमें फेदर कवर्ड होती है, जैसे कि छोटे छोटे पंख जो हमें दिखाई देते हैं उससे पूरी उनकी बॉडी कवर्ड होती है। There are differences in the flying ability of different birds. तो हर एक बर्ड उड़ सकता है क्या, या फिर उतना ही हाई लेवल पे या फिर स्काई में उड़ सकता है क्या, तो नहीं। हर किसी की जो फ्लाइंग एबिलिटी होती है, उड़ने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है। द ईगल कैन सोर हाई इन टू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर ईगल की हम बात करेंगे तो काफ़ी देर तो क्या कर सकते हैं, स्काई में उड़ सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉक जो होते हैं उनकी बात करेंगे तो वो उतना ऊँचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून टू। तो जल्दी से वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ही ऊपर उड़ सकते हैं और जल्दी से ज़मीन के ऊपर आ भी जाते हैं। नेक्स्ट है, वी लिव इन वाटर। तो जो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिश, देर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, दे लिव इन द वाटर। फिश हैव फिन्स, दे यूज़ देयर फिन्स टू मूव इन वाटर। तो फिश क्या करते हैं, उनके जो फिन्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं पानी में तैरने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है, तो ये होते हैं फिश के फिन्स, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, पानी में स्विम कर सकते हैं। दे यूज़ देयर फिन्स टू मूव इन वाटर, देर आर स्केल्स ऑन अ फिश बॉडी। तो उनके बॉडी के ऊपर क्या होती है, स्केल्स हमें दिखाई देते हैं एंड यहाँ पे जो है गिल्स होते हैं, उनके कारण वो क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, पानी के अंदर ब्रीदिंग कर सकते हैं। अ फिश हैज़ गिल्स बिहाइंड इट्स आईज, फिश यूज़ देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। तो वो क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं पानी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छा सा डायग्राम दिया है, पिक्चर दिया है, यहाँ पे है आई, जो यहाँ पे आपके बॉडी के ऊपर, फिश की बॉडी के ऊपर आपको दिखाई देंगे, उन्हें कहा जाता है स्केल्स। ये है उनके फिन्स जो उन्हें हेल्प करते हैं स्विमिंग करने के लिए एंड गिल्स के कारण वो क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट है वी क्रीप एंड क्राउल। तो उसके बाद जो कैटेगरी आएगी कि ऐसे एनिमल जो क्रीप करते हैं एंड क्राउल करते हैं ज़मीन के ऊपर। चैमेलॉन्स हाउस लिजार्ड्स एंड स्नैक्स आर एनिमल्स दैट क्राउल। तो ये एनिमल क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर चलते हैं, तो उन्हें क्राउल एनिमल्स कहा जाता है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, उनके बॉडी के ऊपर भी हमें स्केल्स दिखाई देते हैं। चैमेलॉन्स एंड हाउस लिजार्ड्स हैव फोर लेग्स बट दीज लेग्स आर वेरी शॉर्ट। तो इन एनिमल्स के फोर लेग्स होते हैं लेकिन काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। द स्नैक डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल, लेकिन स्नैक के लेग्स नहीं होते हैं। वी आर कॉल्ड इंसेक्ट। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंसेक्ट की। तो बटरफ्लाइज हैव विंग्स टू। तो बटरफ्लाइज जो होते हैं, मॉस्किटोज फ्लाइज, ये इंसेक्ट में आते हैं, बट वी डोंट कॉल देम बर्ड्स। देखिए जो
यहाँ पे दिए हैं हमें बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाइज के भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, लेकिन उन्हें बर्ड्स कहा जाता है क्या? नहीं, क्योंकि वो बर्ड से काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इनके लिए वो इंसेक्ट में आते हैं। और दूसरी एक बात की उनके सिक्स लेग्स होते हैं, और जो भी सिक्स लेग्स वाले एनिमल्स होते हैं उनको इंसेक्ट कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो हमें बटरफ्लाई दिए उनको भी इंसेक्ट ही कहा गया है। एनिमल्स विच हैव सिक्स लेग्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स, और बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस आर इंसेक्ट टू। तो कौन से होते हैं इंसेक्ट, उनके नाम आपको याद रखने होंगे, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस, और उसके बाद बटरफ्लाई भी, ये भी इंसेक्ट में ही आता है क्योंकि इनके सिक्स लेग्स है। बैट्स हैव विंग्स बट दे डोंट हैव फेदर ऑन देयर बॉडी, यंग वंस ऑफ बैट्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। बैट्स आर नॉट बर्ड्स लाइक टू क्रो, स्पैरो, पैरट एंड कॉक, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ द काउ, टाइगर, डियर एंड माउस। तो बैट जो होते हैं हमें बर्ड की तरह दिखते हैं क्योंकि उनके विंग्स होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एनिमल्स की तरह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके लिए वो एनिमल के कैटेगरी में आ जाते हैं, उनको क्रोस, पैरो की तरह बर्ड नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है, यूज योर ब्रेन पावर, इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू पुट द आउल, द मॉनिटर लिजार्ड एंड द कैट। तो ग्रुप्स आपको दिए हैं यहाँ पे एंड एनिमल्स, देखिए ग्रुप्स दिया है एक कॉलम में एंड एक में एनिमल्स है। तो काउ, डॉग एंड गोट, वी सकल अवर यंग, तो कौन सा एनिमल आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैट, तो यहाँ पे आएगा हमारा कैट फर्स्ट में। क्रो, स्पैरो, पैरट एंड कॉक, तो वी फ्लाई मीन्स ये बर्ड के कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा आउल। थर्ड वन है कैमेलॉन, हाउस लिजर्ड एंड स्नेक, तो यहाँ पे आएगा मॉनिटर लिजर्ड, जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है उसको यहाँ पे थर्ड में आपको लिखना है। तो इस तरीके से कैटेगरी हम कर सकते हैं एनिमल्स की। दिस वॉज ऑल अबाउट अ फ्यू एनिमल्स वी आर फैमिलियर विद, बट देर आर मेनी मोर एनिमल्स इन द वर्ल्ड। देखिए ये जो एनिमल्स हमें यहाँ पे नाम दिए थे कैट, आउल, तो इनको हमें, ये हमें पता है, इनके साथ हम लोग फैमिलियर, मतलब इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वर्ल्ड में कई सारे एनिमल्स होते हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं होता है, तो उनको इस तरीके से कैटेगराइज कर किया जाता है। देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द कलर, शेप एंड साइजेस ऑफ एनिमल्स, देर आर डिफरेंसेस इन द वेज दे मूव एंड द प्लेसेस दे लिव इन। तो जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं तो एक जैसे होते हैं क्या, नहीं, डिफरेंसेस होते हैं उनमें, उनके कलर्स में, उनके शेप में, साइज में, वो कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो इनसे उन्हें क्या किया जाता है, डिफरेंट किया जाता है एक दूसरे से। दिस डिफरेंसेज दैट वी सी अमंग एनिमल्स गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ वराइटी इन एनिमल्स, तो इसके कारण ही हमें वराइटी दिखती है एनिमल्स में। The number of animals that live in the sea is also very large. There is a great variety among them too. तो अगर हम यहाँ पे सी की बात करेंगे, समुंदर जो होते हैं, तो वहाँ पे तो कई सारे एनिमल्स हमें दिख जाएंगे जिनमें हमें वैरायटी दिखती है, अलग अलग दिखाई देते हैं। It is very interesting to learn about all such animals. Do try to find out more about them when you are older. जब आप बड़े हो जाओगे तो ऐसे जो एनिमल जो आपको नहीं पता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर रखने की कोशिश आप कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन द एयर, ऑन द ग्राउंड, इन वाटर। तो एनिमल्स हमें पानी में भी दिखते हैं, ज़मीन पर भी दिखते हैं एंड यहाँ पे हवा में भी दिखते हैं। देर आर डिफरेंसेस इन द कलर, शेप एंड साइजेस ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो इन द वेज दे मूव, तो एनिमल्स के कलर, शेप, साइज सब चीज़ें अलग अलग होती है, उनका मूवमेंट भी अलग होता है। वी फाइंड सम एनिमल्स यूजफुल, वी कीप सच एनिमल्स, जो एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं उनको हम पालते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, इस तरीके के एग्जाम्पल्स है। सम एनिमल्स आर अ नॉइजेंस फॉर अस, जैसे कि मॉस्किटोज है, फ्लाइज होती है। साइंटिस्ट क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सर्टन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक हमने अभी इस लेसन में डिस्कस की है। अलवेज रिमेंबर, में आपको याद रखना है, वराइटी इज द रूल इन नेचर, कि नेचर की अगर हम बात करते हैं या फिर नेचर में हम देखेंगे इन्वायरमेंट में, तो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी चीज़ें हो, तो उनमें हमें वराइटी दिखाई देती है, मतलब डिफरेंसेस हमेशा दिखाई देते हैं। तो वराइटी एक तरीके का रूल होता है नेचर का, कि सारी चीज़ों में हमें डिफरेंसेस, वराइटी दिखाई देती है। तो आई होप स्टूडेंट, मुझे ऐसे लगता है कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।